मैं हूँ प्रतिभा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कार ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। कार ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी कार में जो बेसिक असेंशियल थिंग्स हैं वो मैं कैसे अपने साथ लेके जाती हूँ, तो वो वीडियो मैं आप सभी शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हमारे पास किसी भी तरीके की कार हो, चाहे बड़ी हो या छोटी, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस तरीके से हम अपने घर को सजा के रखते हैं, बेसिक नेसेसिटीज से रखते हैं, उसी तरीके से हमारी गाड़ी में भी वो बेसिक असेंशियल थिंग्स होने चाहिए जिसकी हमें वाइल्ड ट्रैवलिंग ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गाड़ी में जो भी चीज़ें रखी हैं वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं फ्रेंड्स। तो डिपेंड करता है कि मेरी ज़रूरत कैसी है और आपकी ज़रूरत कैसी है। तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरी कार जो कि मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ और फ्रंट की 2 सीट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अंदर से। चलिए फ्रेंड्स, इस तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर रहता है गाड़ी का परफ्यूम जो कि हम लोग यहाँ रखते हैं, और ये मेरी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ फ्लावर्स रखती हूँ, फ्रेश फ्लावर्स मार्केट से लेके, ताकि एक अच्छा एम्बियंस बना रहे। और मैं आप सभी से बोलूँगी कि कार में परफ्यूम आप ज़रूर लगाएं, ड्राइव करते समय अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, और जब भी हम गाड़ी में बैठें तो एक अच्छा सा जो होता है ना फील होना चाहिए गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। तो परफ्यूम आप कंपलसरी समझिए और उसको आप अपनी गाड़ी में ज़रूर रखिए। नीचे आ जाते हैं स्क्रीन के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है USB एक, और क्योंकि हमको चार्जिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, रास्ते में कभी भी डिस्चार्ज हो जाए फ़ोन, तो गाड़ी के लिए मैंने एक सेपरेट रखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा स्टर्डी वायर है इसका, ये प्लास्टिक का नहीं है, तो ये जो है इसका मटेरियल तो मुझे मालूम नहीं है एज सच, तो ये एल्युमिनियम का मुझे ऐसा लग रहा है, स्प्रिंग वाला है, बहुत ही अच्छा। तो इस टाइप का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कभी भी चार्ज करना होता है फ़ोन तो फ़ोन हम लोग यहाँ पर लगा के चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक और जो है कार परफ्यूम, ये पहले का है, थोड़ा सा बचा है तो अभी तक ये रखा हुआ है। जब इसे हम ख़त्म कर लेंगे या ये ख़त्म हो जाएगा तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ रखे हुए हैं फ्रेंड्स, वाइप्स रखी हुई हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको पुल कर सकते हैं, तो ये बहुत हैंडी है इसलिए हमने इसे यहाँ रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरीके का स्लाइडर टिश्यू होल्डर भी ले सकते हैं, ये ऑनलाइन और मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा मिनी सा डस्टबिन है, इसे मैंने ऑनलाइन ही लिया था अमेजोन से। ये काफ़ी अच्छा मजबूत सा है, और जैसे बहुत सारी हमारे पास रिसीट्स इकट्ठी हो जाती हैं या टॉफ़ी के रैपर होते हैं, बच्चे अक्सर गाड़ी में खाते हैं तो गिरते हैं, तो इसमें हम इजीली डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वालिटी में अवेलेबल है फ्रेंड्स, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। आप चाहें तो बड़ा डस्टबिन भी रख सकते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये डोर में लगता है, और कुछ आते हैं जो सीट के पीछे आप हैंग कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये इतना पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि इससे थोड़ा क्लटर्ड लगता है हमारा कार का इंटीरियर, तो मैं इसे अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आप इस तरीके का डस्टबिन अपने साथ लेके जा सकते हैं, वैसे ये वाला काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पर जो है मैंने ऐसे साईं बाबा की एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, आप चाहें तो उसे ऊपर भी रख सकते हैं अगर आपके कार में ऊपर की तरफ स्पेस है तो, जैसे ज़्यादातर लोग ऊपर ही रखते हैं, बट मैंने यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि मुझे यहाँ कंफर्टेबल रखता है, अभी थोड़ा सा हैवी भी है तो इधर स्पेस है तो रखी हुई है। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं, इस जगह को मैं जो है खाली रखती हूँ, खाली इसलिए रखती हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है, तो खाली इसलिए रखती हूँ ताकि कभी भी बाहर से हम कोई सामान लें या फिर घर से कोई सामान ले जाएं तो इसमें रखने का एक प्रोविज़न रहे। अदरवाइज़ ये होता है ना कि हम सब चीज़ अगर पूरी भर देंगे तो बाहर से जो भी सामान लेंगे या घर से ले जाएंगे तो उसको रखने की जगह नहीं होगी। तो मैं आपसे हमेशा बोलूँगी कि गाड़ी को थोड़ा सा आप खाली हमेशा रखें। तो ये जो जगह है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छी सी बॉटल बन सकती है,
एक छोटा टिफ़िन बन सकता है, या फिर बॉटल हटा दें तो एक पूरा टिफ़िन बन सकता है। इस टाइप की जगह है तो इस जगह को मैं खाली रखती हूँ। कई बार मेडिसिंस भी हम लोग ले जाते हैं घर से, तो यहाँ पर रखने में वो काम आती है। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है। तो ये है ग्लव बॉक्स, और उसको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि डोर तरफ मैंने क्या रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स डोर पे मैंने रखी हुई है एक वाटर बॉटल। ये पानी ऐसा है कि जिससे मैं हाथ वगैरह धो लेती हूँ, या कई बार हमको गाड़ी को कुछ साफ वाफ करना होता है या टायर वायर चेंज करते हैं तो हाथ धोना पड़ता है। तो दो तीन बॉटल मैं वैसे रखती हूँ, या एक बड़ी बॉटल रख लेती हूँ मैं पीछे बूट स्पेस में। और ये दो क्लॉथ आप जो देख रहे हैं ये है माइक्रोफाइबर के क्लॉथ। तो ये मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखती हूँ अंदर साफ करने के लिए। अंदर का जितना भी पोर्शन साफ करना रहता है उसके लिए मैं अलग कपड़े रखती हूँ, और बाहर से गाड़ी को साफ करने के लिए अलग कपड़े रखती हूँ फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही काम आते हैं, माइक्रोफाइबर के क्लॉथ हैं दोनों, और ये आपको कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएंगे ईजीली। तो इससे इजी क्लीन भी होता है, और हाँ कुछ हैंडल वाले भी मिलते हैं मार्केट में तो वो भी आप ले सकते हैं, बट मुझे इनमें थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है कि अच्छे से फोल्ड होके एक जगह रखते बनते हैं, तो इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है अंदर। फ्रेंड्स देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में मैंने क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर एक पाउच रखा है जो कि मेरा फेवरेट कलर का पाउच है, और इस पाउच में मैं सारे अपने एसेंशियल रखती हूँ जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है वाइल्ड ट्रैवलिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे हैं विजिटिंग कार्ड, यानी कि मेरे और केदार के विजिटिंग कार्ड्स हैं। इसमें एक बिंदी का पत्ता है, कई बार बिंदी का पत्ता मैं छोटा सा वॉलेट ले जाती हूँ, या कई बार मैं अपना मोबाइल ले जाती हूँ, तो इसलिए मुझे हमेशा कुछ चीज़ें इसमें रखनी रहती हैं। तो उनमें से एक है बिंदी का पत्ता। यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ रखे हुए हैं, और टिश्यूज़ के नीचे एक छोटा सा कीरिंग टाइप का है, वो तो ऐसा जितना यूज़ में नहीं आता लेकिन ऐसे ही डाला हुआ है मैंने। और यहाँ पर है हैंड वॉश जो कि जेल फॉर्म में है, तो मैंने इसको ऐसे रैप करके रखा हुआ है। एक कॉम रहता है छोटा सा, और यहाँ पर है घर की एक्स्ट्रा की, और एक पेन जो कि हमेशा मुझे ज़रूरत में लगती है। और यहाँ पर है ये एक छोटी सी क्रीम जो कि कभी भी हमको रास्ते में ऐसा लगता है कि हाथ ड्राई हो रहे हैं तो हम इसे लेके लगा लेते हैं। इसकी बहुत ही अच्छा एसेंस है, ये अर्थ ब्रांड का है, तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ। नीविया का लिप बाम रखती हूँ मैं इसमें हमेशा, और कुछ फ्रेंड्स रखती हूँ मैं कैंडीज़ वगैरह। और ये जो आप छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में मैं रखती हूँ लौंग और इलायची। कभी भी ट्रैवल करते टाइम हमको लगता है कि कुछ खा ले तो लौंग और इलायची डालती हूँ। अभी इलायची इसमें ख़त्म हो गई है, मुझे फिर से इसमें भरनी है। बाकी लौंग और इलायची का ये छोटा सा डब्बा है, और ये एयर टाइट है। यहाँ पर एक छोटा सा क्लॉथ रहता है, कभी भी ऐसा लगता है कि खा रही हूँ मैं गाड़ी में बैठ के, या लिपस्टिक वगैरह वाइप ऑफ करनी है तो ये, या फिर टिश्यू मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक छोटा सा जिप आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ चेंज अमाउंट रखती हूँ, कुछ सिक्के वगैरह और कुछ चेंज मनी, कभी भी ज़रूरत लगती है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस पाउच में मेरे छोटे छोटे एसेंशियल रहते हैं, कॉम वगैरह, और क्लचर भी रखती हूँ। क्लचर मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रहता है क्लचर। तो इधर का पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसको रख दूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉटन का नैपकिन रहता है, कभी भी हमें हाथ धोना है या मुंह पोंछना है तो ये हमेशा रहता है। वैसे वाइप्स भी मैं रखती हूँ, जो भी यूज़ की हो हम निकाल सकते हैं इजीली। और एक और छोटा सा मिनी सा वाइप का पैकेट है यहाँ पर, और ये जो देख रहे हैं आप पैकेट, इसके अंदर रहता है एक बिस्किट, हमेशा पैक्ड बिस्किट। जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं अगला रख लेती हूँ। कुछ भी ईटेबल आइटम हमारी गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए, और चेक करते रहिए आप बीच बीच में कि वो ख़राब ना हो, अगर ख़राब हो जाए तो आप उसको चेंज कर दें। एक जो है कॉटन का कैरी बैग रख लेती हूँ मैं अपनी गाड़ी में, इस टाइप से छोटा सा, कभी भी कोई भी चीज़ लेनी है हमें तो यहाँ पर छोटा सा जो भी सामान लेना है तो पीछे ना जाना पड़े बड़ा बैग निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पर इसे रखती हूँ।
और हाँ फ्रेंड्स, एक छोटा सा मिरर मैं इस पाउच में ज़रूर रखती हूँ। ये पाउच के साथ में ही आया था। वैसे तो ऊपर दिया हुआ है मेरी गाड़ी में मिरर, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में नहीं है मिरर इस टाइप से, तो आप अपने पाउच में एक छोटा सा मिरर हमेशा डाल के रखें। वैसे तो सामने की तरफ मिरर होता है हमारी गाड़ी में, लेकिन कई बार हमें पर्सनली चाहिए होता है, तो एक छोटा सा मिरर आप गाड़ी में ज़रूर रखें। चलिए आ जाते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। जो डोर होता है वहाँ मैं क्या रखती हूँ, तो ये है एक छोटी सी जगह जहाँ पर होता है वॉलेट, और वॉलेट के जस्ट इधर यानी कि डोर में एक बॉटल पानी की हमेशा रहती है, स्टील की, जो कि मेरे हस्बैंड यानी कि केदार के लिए रहती है। और यहाँ पीछे भी स्पेस है ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा बॉटल यहाँ पर डाल सकें। मैं हमेशा आप सभी से बोलूँगी कि अपनी गाड़ी में कभी भी प्लास्टिक की बॉटल आप ना रखें। कोशिश करें कि स्टील की बॉटल या फिर जो पीतल की बॉटल होती है या जो भी बॉटल आप रखें, लेकिन प्लास्टिक की अवॉइड करें। जैसे कि वहाँ मैंने रखी हुई थी, वो केवल हाथ धोने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं और उसे कई बार हम पीछे तरफ डाल देते हैं। तो कोशिश करिए कि स्टील की बॉटल ही अपनी गाड़ी में रखें। फ्रंट सीट्स के पीछे हमेशा ये स्पेस रहती है, आपकी गाड़ी में भी होगी, तो इस स्पेस को मैं खाली रखती हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में काफ़ी स्पेस है। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप बैक साइड पे एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो हैंग कर सकते हैं इस तरीके का, ताकि आपके बच्चे यहाँ पर अपना सामान रख सकें और उस पर रख के कुछ भी खा सकें। अपनी डायरीज़ वगैरह भी आप रख सकते हैं या फिर मैगजीन्स रख सकते हैं इस स्पेस में। वैसे तो हम लोग गाड़ी में कभी भी कुछ रीड नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको इस स्पेस को यूटिलाइज करना है, तो न्यूज़पेपर आप रख सकते हैं या फिर आप कोई भी जो भी आप रीड करते हैं वो चीज़ें रख सकते हैं, या वाटर बॉटल को भी यहाँ पर फंसा सकते हैं। कई बार यहाँ पर हम लोग कैरी बैग्स भी रखते हैं, हमारे पास बहुत सारे कैरी बैग होते हैं और पीछे जगह नहीं होती है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं इस तरीके से। बट मेरी गाड़ी में पीछे जगह है तो मैं यहाँ पर कैरी बैग नहीं रखती हूँ और इस स्पेस को कोशिश करती हूँ कि खाली रहे, ताकि आगे कुछ भी सामान मैं यहाँ रख सकूँ। फ्रेंड्स, पीछे रखा हुआ है मैंने ये प्यारा सा सॉफ्ट टॉय, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज में नहीं रखती हूँ, तो ये है एक डॉगी, और उसके जस्ट बगल में मैंने रखा हुआ है ये पिलो जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो कई बार श्रिया इस पे सर रख के सो जाती है। वैसे तो आर्म रेस्टर दिया हुआ है हमारी गाड़ी में इस तरीके का, अगर आपकी गाड़ी में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप पिलोज रख सकते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी रख कर खा भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्पेस दी हुई है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बहुत यूजफुल रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रखकर बच्चा आराम से खा सकता है और बहुत इजीली बैठ भी सकता है अपना सारा सामान रखकर। कार के इस डोर पे यानी कि इस साइड पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर भी एक बॉटल हम रख सकते हैं 1 लीटर की, बट मैं ये स्पेस खाली रखती हूँ। जब भी हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा बॉटल्स यहाँ पर फंसाती हूँ। आइए फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाती हूँ कि मैंने बूट स्पेस में क्या रखा हुआ है। तो सबसे कॉर्नर में मैंने रखा है ये कैरी बैग्स का एक अच्छा सा बंडल। काफ़ी सारे कैरी बैग्स मैं अपने साथ लेके चलती हूँ क्योंकि कभी भी मार्केट में जाना रहता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक स्पेस मेरे लिए दी हुई है, तो आपके अगर नहीं दी है तो आप बाहर भी इसे रख सकते हैं, बहुत ही ईजीली यहाँ पर फंसा रहता है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये है क्विल्ट, इसके अंदर मैं रखती हूँ और उसी का सेम कवर भी है, सेम प्रिंट का। तो इस तरीके का क्विल्ट आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, ये तकिए का काम भी करता है, और कभी हमारा बच्चा अगर सो जाए या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है गाड़ी में, वैसे तो गाड़ी में हीटर होता है, एसी होता है, बट कई बार कोजीनेस के लिए हमें चाहिए रहता है कुछ एक ब्लैंकेट टाइप का जो हम ओढ़ने में यूज़ ले लें, तो इस टाइप का जो है आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और इसका कवर आप घर में भी बना सकते हैं, ये बहुत ही इजीली बन जाएगा।
तो देखिए ये काफ़ी बड़ी क्विल्ट है और ये बहुत काम आती है, स्पेशली विंटर्स में बहुत काम आती है। तो हमेशा बच्चे पीछे सो जाते हैं बैठे बैठे, या फिर लॉन्ग रूट पे अपन जाते हैं तो भी बच्चे सो जाते हैं। अब देखते हैं कॉर्नर तरफ मैंने क्या रखा है। तो ये भी देखिए आप, काफ़ी स्पेस इधर रखने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एड रखा हुआ है मेरा किट, और कुछ थोड़ा बहुत किट और सामान रखा है जो भी फर्स्ट एड में हम यूज़ करते हैं। इस टाइप का फ्रेंड्स आप जो ऑर्गेनाइज़र है ये ऑनलाइन मिलते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी बूट स्पेस में स्पेस कम है तो ये जो है आप पीछे हैंग कर सकते हैं सीट के पीछे, और उसमें बहुत सारा सामान बन जाता है। हाँ फ्रेंड्स, कुछ सेफ्टी की चीज़ें ज़रूर रखें, जैसे कि नाइफ हैमर अपनी गाड़ी में, ताकि आप सेफ फील करें। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी में बहुत ही कम सामान रखा है और लिमिटेड सामान यानी कि बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे वाइल्ड ट्रैवलिंग काम आती है। तो आप भी इस तरीके से आइडियाज़ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सामान बहुत सारा हो हमारी गाड़ी में, लेकिन बेसिक सामान होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा सफ़र बहुत अच्छे से कटे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।